गुजरात की सूरत में सौराष्ट्र पटेल समाज द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यहां जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर परिणय जीवन की शुरुआत की। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज पहले भी ऐसे कई आयोजन करता आया है। यह सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज का 64वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था, जो सूरत में संपन्न किया गया। कपल्स यहाँ पे लग्न करती थी, जोड़ानार है, तो ये नवयुगल को सुभाषित देने के लिए ये फंक्शन का आयोजन किया है। ये सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज सूरत जो समूह लग्न का आयोजन करता है, ये सामाजिक क्रांति का एक प्लेटफॉर्म होता है। सिर्फ शादी का प्रसंग नहीं है, समाज को और नई दिशा देने के लिए, समाज को नई विचार देने के लिए ये समूह लग्न उत्सव का आयोजन करता है। इकोनॉमिक कंडीशन काफी परिवार को बहुत तकलीफ में है। यहाँ समूह लग्न में जो जॉइंट होते हैं वो परिवार मीडियम रेंज के हैं, कोई गरीब भी है, और समझदारी से ही समूह लग्न उत्सव में भाग लेते हैं और खर्च कम करते हैं। और जो खर्च कम करते हैं, कभी कोई ना कोई कपल ने वो बचत जो सेविंग किया, वो 50,000 लाख रुपया उसकी लड़की को करियावर के स्वरूप में देंगे। तो मेरे ख्याल से ये पूरा जो मंगवारी है, फाइनेंशियल क्रिटिकल पोजीशन है, इसमें मेरे ख्याल से समूह लग्न एक आशीर्वाद है एक कपल के लिए। हालांकि इस पूरे सामूहिक विवाह में एक जोड़ी आकर्षण का केंद्र बनी रही, क्योंकि अच्छी पदवी पर होते हुए और आर्थिक संपन्नता के बाद भी इस जोड़ी ने सामूहिक विवाह का हिस्सा बनकर अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। जो हमारा ज्यादा पैसा है वो वेस्ट नहीं जा सकता, और हम अगर ज्यादा पैसा वेस्ट करेंगे तो उतने में भी इतने सारा मतलब ज्यादा इकट्ठा लोग नहीं होंगे, और ये हमारा एक तरह से ये बहुत ज्यादा बड़ा फंक्शन हो जाएगा। कम पैसे में बहुत बड़ा फंक्शन हो जाएगा, यही एक मोटो है। और जो अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो, मतलब कोई दान धर्म में करो, या ऐसे जो कोई संस्था चला रहा है उस संस्था में दान दो, तो वो अपना काम और सहजता से कर सके। मैं संदेशा यही दूंगा कि अगर शादी तो होना ही है, चाहे तुम पैसा ज्यादा लगा करो या कम लगा करो, शादी तो होना ही है, तो पैसा कम लगा के आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप दान धर्म करो, पुण्य करो। हम भी तो बड़े धूमधाम से शादी कर सकते थे, पर हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम संदेशा देना चाह रहे हैं समाज को कि बिना पैसा वेस्ट करके भी हम आराम से पूरे सिंपल तरीके से शादी करके हम अच्छे से अपने हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं। संदेश यही है मेरा कि हम शादी के पीछे बहुत पैसे वेस्ट करते हैं, उस पैसे को हम बचा के किसी की जरूरत है, जो गरीब है पढ़ना चाह रहा है या किसी को और जरूरत है, उसकी जरूरत हमें पूरी करनी चाहिए। हम शादी में ऐसे ही पूरा रिसेप्शन ये सब करके हम पूरे पैसे वेस्ट ही कर रहे हैं। शादी तो हम कहीं पे भी करेंगे, जो हमें भगवान आशीर्वाद दे रहे, अपने माँ बाप का आशीर्वाद है, वो तो वैसे ही रहेगा। हम बिना पैसे से भी हम समूह में शादी करके मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मिल के हम जिसकी जरूरत है उसकी हम पूरी करें बस। हाथों में मेहंदी, आंखों में सपने लेकर वरवधु मंडप पर पहुंचे। मंडप में कुल 88 युगलों की शादी संपन्न हुई।